नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर में रखा सोना अचानक से गुम हो गया हो या गायब हो गया हो? रूटीन का काम करते हुए कान की बाली कहीं गिर गई हो या गोल्ड को रखकर कहीं भूल गए हो? कई बार तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि घर का सोना गिरवी तक रखना पड़ जाता है और उसे छुड़ा पाना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन से सुख समृद्धि कम होनी शुरू हो जाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा किन कारणों से होता है? तो आज के वीडियो में हम इन लक्षणों और उनसे जुड़े उपायों के बारे में जानेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर मिलने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वो निर्जीव हों या सजीव, किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती हैं, जिसके प्रभाव के चलते हमारे जीवन पर इनका नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव देखा जा सकता है। मान लीजिए हमारे घर पर रखे सोने के आभूषण गायब हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं या जरूरत पड़ने पर मिलते नहीं हैं या चोरी हो जाते हैं, तो सभी लक्षण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि या तो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है या बृहस्पति पाप प्रभाव में चल रहे हैं। ऐसे समय में तो कई बार ये भी देखा गया है कि सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है। क्या आप जानते हैं, जितना सोने का खोना या चोरी होना खराब माना जाता है, उतना ही कहीं पड़ा हुआ सोना मिलना भी खराब माना गया है। ऐसे समय में इन बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि सोना गुम हो गया तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा या फिर से बना लेंगे। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में आगे चलकर कुछ गलत होने वाला है। इसलिए इनसे जुड़े उपाय करना बहुत जरूरी होता है। आइए वीडियो में आगे खराब बृहस्पति और सोने से जुड़े कुछ और लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ औरतों को गोल्ड से बनी ज्वेलरी सूट नहीं करती, उन्हें सोने के आभूषण पहनने पर एलर्जी की समस्या हो जाती है। ऐसा खराब गुरु के कारण हो सकता है। कई बार कुछ महिलाओं को गोल्ड के इयररिंग्स या नोजपिन पहनने पर कान या नाक पकने की समस्या हो जाती है, ये भी खराब गुरु के कारण हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास सोना टिकता नहीं है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों से मिले सोने को उन्होंने संभालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि ये सोना तो पुराना हो गया है या आउटडेटेड हो गया है, क्यों ना इसे देकर नई डिजाइन का बनवा लिया जाए या बेच दिया जाए या गिरवी रख दिया जाए। क्या आप जानते हैं, ऐसा करके आप बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वयं से दूर कर लेते हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी चीजों को तभी चेंज करवाएं जब उनमें कोई खराबी आए या कहीं कोई टूट फूट हो जाए। लेकिन खराब गुरु ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जिसके चलते व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसा करने पर विवश हो जाता है। कई बार तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि खराब बृहस्पति बड़े बुजुर्गों से मिली संपत्तियों तक को समाप्त करवा देता है। खराब बृहस्पति व्यक्ति को कर्जों में डूबो सकता है। इसलिए खराब बृहस्पति से जुड़े उपाय करना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी को रास्ते में पड़ा हुआ सोना मिल जाए तो ऐसे में उस सोने को कभी घर मत लाइए। अगर आप जानते हैं कि किसका है तो या तो उसे लौटा दीजिए, यदि नहीं जानते तो उसे किसी मंदिर में दान दे दीजिए या समाज सेवा दान पुण्य के कार्यों में लगा दीजिए, लेकिन भूल से भी घर में मत लाइए, फायदे की जगह नुकसान ही दिलाएगा। खराब बृहस्पति को ठीक करने के लिए पीले फल, मिठाइयाँ या पीले रंग के वस्त्रों को गुरुवार के दिन दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ और चने की दाल खिला सकते हैं। किसी मंदिर या खाली जगह पर पीपल या केले का पेड़ लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस मंत्र का जाप करने और सुनने से भी खराब बृहस्पति के फलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी।
इस मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस मंत्र को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डेली सुबह शाम सुनकर बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।